हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में सीएए के विरोध में 20 दिसंबर को हुई आगजनी और हिंसा के बाद 24 दिसंबर यानी 4 दिन बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल की गयी। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सभी इंटरनेट यूजर्स से कोई भी भड़काऊ पोस्ट लाइक शेयर न करने तथा हिंसा के दौरान का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर न वायरल करने की अपील की। इतना ही नहीं, मेरठ रेंज के आईजी और कमिश्नर ने भी बुलंदशहर पहुंचकर जिला पंचायत सभागार में मुस्लिम धर्म गुरु, ग्राम प्रधान और मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। बैठक में कमिश्नर और आईजी ने लोगों से की संयम बरतने की अपील, जबकि इस दौरान किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। देखिए, एक्चुअली जो फ्राइडे को जो बुलंदशहर में थोड़ी सी घटना हुई थी, वर्तमान में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य सब कुछ चल रहा है इसमें, लेकिन फिर भी हम प्रशासन का ये प्रयास है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और एनआरसी को लेके जो भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है और जो उसको लेके जो अफवाहें चल रही हैं, उसको लेके प्रशासन ने सीधा जो लोगों से आज संपर्क साधा है उसको, और उसके संबंध में जो भी स्पष्ट स्थिति करने की आवश्यकता महसूस की गई है वो आप उन लोगों के सामने रखी गई, और बहुत ही एक स्वस्थ वातावरण में एक कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन आज हुआ है। उनके मन में भी जो शंकाएं थी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, उनको भी हमने क्लेरिफाई करा है और बहुत हद तक सारी शंकाएं जो थी उनका निराकरण आज किया गया। साथ ही उनको अनुरोध भी हम लोगों ने करा है कि आप किसी अफवाह में, किसी कहने में ना आए, आप एक्ट का अध्ययन करें, उसको पढ़ें, और उसके बावजूद अगर कोई डाउट लगता है तो जिला प्रशासन के अधिकारी संपर्क करें उसको, और जिससे कि किसी भी आशंका को लेकर या किसी अफवाह को लेकर जनपद की कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। देखिए, ये सभी जगह पूरे प्रदेश भर में और उसमें मेरठ रेंज भी शामिल है, शुक्रवार को जुमे की नमाज पे के लिए कॉल थी कि जुमे की नमाज और नमाज के बाद इस नागरिकता जो सीए जो हमारा एक्ट है उस एक्ट के संबंध में लोग अपनी बात कह सकते हैं, और उसी के मध्य नमाज के बाद कुछ स्थानों पर लोगों ने एक्ट के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ अफवाहें फैलाने का प्रयास किया, जिसको लेकर कुछ भीड़ उग्र हो गई, तो उस पर न्यूनतम पुलिस बल का प्रयोग करते हुए उस भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। इसको लेकर आज एक यहां पर प्रबुद्ध जनों की एक बैठक की गई, जिसमें विशेष रूप से मुस्लिम प्रबुद्ध जन जो इमाम थे, काजी, शहर काजी थे, एडवोकेट्स थे, डॉक्टर्स थे, उन सभी से उनके दिमाग में तमाम आशंकाएं थी, उन आशंकाओं को दूर किया गया। लिखित रूप से भी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट उनको शेयर किया गया है, जिसमें जो भी संभावनाएं थी, जो भी संभावित प्रश्न थे उनके दिमाग में नागरिकता कानून को लेकर, उनका जवाब दिया गया, और आगे वाले जो अब आने वाले जो शुक्रवार है या उसके आगे का समय है उसके प्रति सभी ने आश्वस्त किया है कि अब शहर में पूरी तरह से चैन और शांति रहेगी। मेरठ जोन के आईजी आलोक कुमार व कमिश्नर अनीता सी मेश्रा श्रम ने बैठक में शरीक हुए लोगों का नागरिकता कानून को लेकर भ्रम दूर करने के लिए सवाल जवाब के पर्चे भी दिए। प्रशासन की ओर से अपील की गई कि मुस्लिम धर्म गुरु इन पर्चों के द्वारा लोगों में पैदा हुई भ्रम की स्थिति को दूर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।